नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ सरम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन मध्य प्रदेश ने सौंपा ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा माननीय जिलाधीश महोदय को सौंपा ज्ञापन। जिला गुना निवासी छात्र कुमारी संध्या साहू और उनके परिवार के विरुद्ध अजय धाकड़ के द्वारा अपने प्रभाव से गुना पुलिस द्वारा किए गए प्रकरण की जांच व कुमारी छात्रा संध्या साहू के द्वारा की गई रिपोर्ट पर से अजय धाकड़ के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए जाने के संबंध में गुना से नरेंद्र कुशवाहा की खास रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन है। इसे जिला गुना निवासी छात्रा कुमारी संध्या साहू और उसके परिवार के विरुद्ध अजय धाकड़ के द्वारा अपने प्रभाव से गुना पुलिस द्वारा दर्ज किए गए प्रकरण की जांच एवं छात्रा संध्या साहू के द्वारा की गई रिपोर्ट पर से आरोपी अजय धाकड़ के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए जाने के संबंध में निवेदन है। माननीय महोदय, कि जिला गुना निवासी संध्या साहू को आरोपी अजय धाकड़ कई महीनों से छेड़छाड़ में अश्लील हरकत करता रहा था, जिसकी शिकायत फरियादी संध्या साहू के द्वारा पुलिस प्रशासन को की गई थी, किंतु पुलिस प्रशासन द्वारा कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई। इससे आरोपी के हौसले बुलंद होते गए और अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अनैतिक छिपाकशी से परेशानी उत्पन्न हुई, अपने आवरों इशाने आरोप रक्षा को की, जिसके चलते आरोपी अजय धाकड़ के द्वारा अपने प्रभाव से उल्टा फरियादी छात्रा संध्या साहू उसके परिवार पर झूठा प्रकरण कायम करा दिया गया, जिसके चलते पुलिस प्रशासन के द्वारा बिना जाँच किए FIR दर्ज कर फरियादी उसके परिवार को पकड़कर जेल में डाल दिया है। वे सभी सब्जेक्ट गुना में हैं। छात्रा कुमारी संध्या साहू के द्वारा अजय धाकड़ के विरुद्ध जो रिपोर्ट की गई थी उस पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे साहू समाज में व्यापक रोष व्याप्त है। साहू समाज गुना माननीय महोदय से मांग करती है कि फरियादी छात्रा संध्या साहू की रिपोर्ट पर से आरोपी अजय धाकड़ पर तत्काल प्रकरण दर्ज किया जावे एवं पुलिस के द्वारा जो FIR फरियादी छात्रा संध्या साहू एवं उसके परिवार पर दर्ज की गई है उसकी पुनः जाँच कराई जाए। न्याय